कभी कभी सोचता हूँ कि वोटिंग को लेकर, राजनीतिक दायित्वों को लेकर भारतीय समाज इतना कृतघ्न क्यों है, वह भी मूलतः हिंदू समाज इतना लापरवाह क्यों हो जाता है वोटिंग को लेकर। क्योंकि देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ और उसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ वोटिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहते हैं और उनका वोटिंग परसेंटेज हिंदू समाज के ऊपर या यूँ कहें बहुसंख्यक समाज की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। खैर, यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के डिस्प्यूट्स में न पढ़कर सीधे बात कर लेते हैं वोटिंग को लेकर। एक किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यह किताब कहती है 1857 से लेकर 1947 के मध्य 3.5 करोड़ लोग अपनी जान गंवा देते हैं विदेशी कुशासन के चलते, ब्रिटिश कुशासन के चलते, और इस कुशासन को मिटाकर लोकतंत्र की स्थापना के लिए लाखों लोग शहादत देते हैं। अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार और अपने आने वाली नस्लों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं आज़ादी के लिए, लोकतंत्र के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए। और इतने अनमोल अधिकार का प्रयोग करने को लेकर 40% लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सर्दियों में ठंडे रक्त वाले जीव हाइबरनेट हो जाते हैं। क्विंट और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमूमन 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और एक अनुमान यह भी है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपीस खर्च होंगे, मतलब एक मतदाता पर 1400 रुपए खर्च होंगे। अगर देखा जाए कि आपके घर में 5 वोट हैं और आप लोग वोट डालने नहीं जाते हैं तो गवर्नमेंट का 7000 रुपए आप बर्बाद कर देते हैं। वोटिंग परसेंटेज इस समय जो चल रहा है 60% के आसपास चल रहा है, मतलब 40% लोग वोट ही नहीं डाल रहे हैं। तो इस हिसाब से लगभग 54,000 करोड़ रुपए फिजूल में व्यर्थ हो जाएंगे सरकार के, क्योंकि हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। और याद रखिएगा, कोई राजनीतिक दल इतना मूर्ख नहीं है, उसको सब पता होता है कि किस जाति का, किस धर्म का और किस समुदाय और किस क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज अच्छा होता है, कहाँ के लोग मजबूत वोटर हैं। मैं यहाँ मतदाताओं की संख्या की बात नहीं कर रहा बल्कि मतदान करने के प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। और जो मतदाता समूह जितना अधिक मजबूती से वोट डालता है वह उतना ही राजनीतिक दलों को प्रभावित करता है और राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद उसी समुदाय, उसी दल, उसी समूह के लिए नीतियां बनाते हैं, उसी का तुष्टीकरण करते हैं या यूं कहें उसी को खुश करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप वोट डालने को लेकर जागरूक नहीं हैं, आलस करते हैं या तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं तो इसके जो दुष्परिणाम होते हैं चुनावों के बाद उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। अब आपको वोट डालना है या नहीं डालना है यह आप खुद सोचिए, क्योंकि आप सोचते हैं इसीलिए आप हैं और जो नहीं सोचेगा या जो गलत सोचेगा उसका वजूद नहीं रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक बार फिर से आपसे अपील करता हूं कि वोट जरूर डालिए, क्योंकि इसी राइट के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं हमारे पूर्वजों ने और सरकार इस पर बहुत बड़ी रकम खर्च करती है सिर्फ इसलिए कि हम वोट डालने जाएं और वोट डालें। नमस्कार।